Good morning, students. So once again, welcome to the channel. So today we are going to start a very important topic, latent heat, according to 9th class. Okay, and but this topic is very important either in 9th class or 11th class. दोनों ही क्लासेज में टॉपिक चलता है आपका. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा, इससे पहले हम कौन से जो टॉपिक्स कर चुके हैं. ओके, हमने क्या किया था, सम फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. ओके, एंड वी हैव डन द डिफरेंट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस. ओके, सो नाउ लेटेंट हीट. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटेंट हीट का मतलब क्या है. लेटेंट हीट इज ऑल्सो नोन एज हिडन हीट. हिडन हीट, इसको हिडन हीट भी बोल देते हैं. और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि दैट मीन्स कि ये हीट हमें दिखाई नहीं दे रही है ना, हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हमने इसको हीट प्रोवाइड कर दी. अब एक्चुअल में अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की प्रॉपर, तो लेटेंट हीट होती क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्टेट, दैट इज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाई एनी सब्सटेंस. ठीक है, तो एक तरह से ये हमारी डेफिनेशन तैयार होगी क्या, कि जो लेटेंट हीट है वो अमाउंट ऑफ हीट है, उतनी उस अमाउंट को बोलेंगे हम कि जब कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है अपने अंदर से, कब, जब वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट आइदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. Understand? Suppose we have a solid substance. Okay? And we have to convert it into liquid. तो इस solid substance से liquid में convert होने में कितनी heat को absorb किया? Suppose हम इसको heat करना शुरू कर देते हैं अभी. तो इसने कितनी amount of heat को absorb किया? That amount of heat is called latent heat. Understand? तो latent heat, चलिए एक example से और समझते हैं, इसको एक और अच्छे example से समझते हैं, फिर उसके बाद इसको हम define करते हैं types को. एक और example लेते हैं इसका. ये सुनो. Now suppose we have a container. Okay? And in this we are having the water. And we want to boil it. हम इसको boil करना चाह रहे हैं पानी को. And we have adjusted a thermometer. इसके अंदर हमने एक thermometer भी लगा दिया. ठीक है? अब हमने इसको क्या किया? इसको गैस बर्नर पे रख दिया. तो जब जैसे अभी तक हमने गैस को ऑन नहीं किया, जैसे हमने बीकर को रखा ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, जैसे हमने इसको रखा हुआ है, तो अभी हम थर्मोमीटर रीडिंग चेक करें. थर्मोमीटर रीडिंग दे रहा है हमें इस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, हमने क्या किया, गैस को जलाना स्टार्ट कर दिया. अब एवरीवन नोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है ना. अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी कर इसको गैस के ऊपर रखा है एकदम से रखते के साथ ही बॉयल हो जाएगा, रखते के साथ इसमें उबाल आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना. मतलब कुछ तो टाइम लगेगा. It will take, maybe it will take 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. That means it has to reach from 30 degree Celsius to 100 degree Celsius. मतलब कि इस temperature को 30 से 100 पे पहुंचना है. उस 30 से 100 पे पहुंचने में हो सकता है इसको 5 मिनट लग जाए. ओके, हो सकता है इसको 10 मिनट लग जाए. तो उस टाइम पीरियड में इसने कितनी टोटल हीट एब्जॉर्ब की, उस मतलब 30 से 100 तक जाने में 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आना है, तो उसमें कुछ तो अमाउंट ऑफ हीट इसने अब्सॉर्ब की होगी ना पानी ने.
that amount of heat is called latent heat. आया समझ में? Understand? तो ये 30 से 100 तक पहुंचने में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई by the substance, either that is solid, liquid, that amount of heat is called latent heat. Understand? So latent heat is of two types. Here's one. Latent heat हमारी दो types की होती है अगर हम बात करें. वो दो types कौन-कौन सी हैं? Latent heat of fusion and latent heat of vaporization. ठीक है? The amount of heat required means amount of heat required to convert 1 kg substance or solid into liquid substance, liquid form. तो ये हमारी डेफिनेशन है. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म. एंड सेकंड इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg. ठीक है, ये हमने मास की फॉर्म में लिया हुआ है, यूनिट मास, लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स फॉर्म. ये लिक्विड के ऊपर अप्लाई होता है. ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ये भी हमने मास किया हुआ है, लिक्विड को हमने तोला हुआ है, तोल के वेट लिया हुआ है उसका. सो दोनों ही केस में डेफिनेशन क्या है? यूनिट के लिए, यूनिट मास के लिए. तो यहां पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी कितनी लगेगी, और यहां पर एक लिक्विड को उसकी गैसेस कंडीशन में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी. दैट अमाउंट ऑफ हीट इज सॉलिड टू लिक्विड, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इन केस ऑफ लिक्विड टू गैस या लिक्विड टू वेपर्स, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ice into water. Suppose कि हमारे पास 1 kg ice है, बर्फ है, और उसको हमें water में convert करना है, तो कितनी amount of heat लगेगी उसको पिघलने में, कितनी लगेगी? वो हमारे पास value है, that is 3.34 into 10 raised to power 5 joule per kg. ठीक है ना, कि इतने किलो जो इतने किलो, एक केस एक किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट होने में इतनी एनर्जी की जरूरत, इतनी हीट की जरूरत पड़ेगी, इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें 3.34 इनटू 10 रेस्ट पावर 5 जूल पर केजी. अंडरस्टैंड? इसी तरह से अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 केजी लिक्विड इनटू वेपर्स, अगर हमारे पास लिक्विड है दैट मींस वाटर into vapors, तो हम बोल सकते हैं भाई कि पानी को हमें boil करना है, vapors में convert करना है, तो उस दौरान कितनी heat चाहिए हमें? उतनी हमें heat चाहिए, वो amount है हमारे पास, that is 22.6 into 10 raised to power 5 joule per kg. Yes, तो देखिए, अगर हमें 1 liter means 1 kg, not liter, 1 kg, 1 kg liquid water को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, 22.6 joule per kg, इतनी जूल की हमें हीट चाहिए. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ लेटेंट हीट बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, आइदर इन 9th क्लास एंड 11th क्लास. अंडरस्टैंड? तो आई होप समझ में आया होगा लेटेंट हीट मतलब, इसको हम हिडन हीट भी बोल देते हैं. ओके, ये दो टाइप के हो सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. कि व्हेन सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. व्हेन एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स फॉर्म, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो ये हमने एक केस एग्जांपल आइस और वाटर का लिया. आइस को जब वाटर में नॉर्मल लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इतनी हीट चाहिए हमें, और जब हम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो इतनी हीट चाहिए हमें, 22.6 * 10 टू पावर 5 जूल पर केजी. Understand? I hope समझ में आया वो टॉपिक. Okay, thank you.